नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय स्टोमैनिक ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 28 अगस्त 2023। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है। बासमती चावल के लिए अब न्यूनतम एक्सपोर्ट वैल्यू यानी MEP लागू कर दी गई है, जो कि $1200 के निर्धारण है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने लगातार चावल पे आपको अपडेट दिए थे और अनुमान आशंका लगाई थी कि व्यक्त की थी कि सरकार चावल के निर्यात पर रोक लगा सकती है। वैसा ही हुआ, सरकार ने चावल के निर्यात पे रोक लगाई, लेकिन अब इसमें एक महत्वपूर्ण मूव आ गया है। घरेलू चावल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक कदम में भारत सरकार ने बासमती चावल के शिपमेंट में $1200 प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य जिसे MEP के नाम की घोषणा की है। ये गौरतलब है, ये कदम तब उठाया गया जब देश के स्थानीय के चावल की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंताओं के बीच कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार किसी भी कीमत पर चावल के या घरेलू खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों को हर संभव नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले सरकार ने जुलाई में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी और पिछले हफ्ते ही अधिकारियों ने उबले चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगाकर निर्यात के मापदंडों को और कड़ा कर दिया था। हालांकि इस प्रतिबंध ने कुछ व्यापारियों ने गली निकाली और खामी निकालते हुए उन्होंने लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के प्रयास में गैर बासमती सफ़ेद चावल को बासमती के रूप में क्लासिफाइड और निर्यात करना शुरू कर दिया था। इस पर काबू करने के लिए सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1200 रख दी गई है। गौरतलब है कि MEP की शुरुआत का उद्देश्य मुख्य रूप से इस गलत क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पर अंकुश लगाना है और ये भी सुनिश्चित करने के लिए कि एक मापदंड होगा कि गैर बासमती चावल को प्रीमियम बासमती के लेबल के तहत गलत तरीके से निर्यात नहीं किया जाए। दोस्तों, ये एक अति महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भारत के चावल निर्यात पर प्रतिबंध के बाद पूरे विश्व में हड़कंप मच गया था। खासकर वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों ने अपने चावल के दाम बढ़ा दिए थे और ये 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आप देखें, म्यांमार में भी चावल के निर्यात पर प्रतिबंध टेम्प्रेरी रूप से लगाया, जिसका अनुमान जिसकी खबर हमने आपको लगातार दी है। दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि लगभग पूरे विश्व में 9 अरब की जनसंख्या में लगभग 30-40% से के आसपास जनसंख्या चावल का को एक मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है और भारत पूरे विश्व में चावल का प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है। पहला नंबर खपत के मामले में चाइना का है। तो गौरतलब है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे अब चावल की कीमतों में नियंत्रण रखने का सरकार की मंशा जाहिर हो चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि खाद्य वस्तुओं के और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके ताकि आम उपभोक्ता को फायदा मिले। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और प्रश्न चिन्ह ये भी है कि इससे किसान और व्यापारियों को के हितों पर कितना फर्क पड़ेगा। अक्सर हो ये रहा है कि किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और उपभोक्ता भी को भी MSP यानी मैक्सिमम रिटेल MRP पे वो माल खरीदते हैं। किसानों को उचित मूल्य मिल पा रहा है, उधर उपभोक्ता जो आम जनता है वो भी पूरा फायदा नहीं उठा पाती है इस कमी का, क्योंकि बिचौलिए लेवल पर बड़ी कंपनियां इसका पूरा फायदा उठा रही हैं। किसानों का कहना है कि हमें फायदा नहीं हो रहा, उधर उपभोक्ताओं को कहना है कि जो भाव बढ़ गए हैं उसको जब भाव घटते हैं तो उसके प्रोपोर्शनेट में भाव गिरते नहीं हैं, MRP पे ही रिटेलर्स माल बेचते हैं। इसका भी हम लगातार पिछले 1 साल से 2 साल से हम लगातार कह रहे हैं कि जब भाव गिरते हैं और जब भाव बढ़ते हैं उसके बीच में समुचित समायोजन होना आवश्यक होता है। अक्सर देखने में यह आता है कि भाव 30-40% कम होने के बावजूद भी उसके रिटेल प्राइसिंग में फ़र्क नहीं पड़ता और रिटेलर्स जो हैं MRP पे ही माल बेचते हैं। उसके लिए एक तरीका यह भी है कि जब जैसे भाव घटे या बढ़े उसका एक वेबसाइट या कुछ उसके ऊपर ब्यौरा होना चाहिए ताकि उस भाव पे कंट्रोल हो सके। अब सरकार की मंशा तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस मंशा को व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल रूप से ग्राउंड पे उतारने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। अन्यथा यह होगा कि किसान भी फायदा नहीं उठा पाएंगे और आम जनता भी फायदा नहीं उठा पाएगी। उदाहरण आप सरसों के तेल पर देख लीजिए। सरसों के तेलों में पिछले लगभग 3-4 महीने में लगातार गिरावट थी।
बुरी तरह से पिटाई रही होती है। 2 महीने में जरूर सरसों के भाव काफ़ी अच्छे तेज बढ़े हैं, लेकिन 2 महीने पहले से सरसों के दामों में लगातार गिरावट थी, लेकिन उस प्रोपोर्शनेट के अंदर रिटेल प्राइसेस के अंदर गिरावट नहीं थी। अब ये प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों? उपभोक्ता को फायदा नहीं, किसानों को फायदा नहीं, फायदा किसको? तो दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, यदि पसंद आए तो। यदि नहीं पसंद आता है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब मत कीजिए, यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी को निशान को दबाइए। साथ साथ यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुँचा पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।